कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। यूटीमा हॉस्पिटल द्वारा विधायक अतुल प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद समाजवादी पार्टी ने भी यूटीमा हॉस्पिटल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपा की इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी कूद गई है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने आरोप लगाया है कि यूटीमा हॉस्पिटल पूर्ण रूप से अवैध रूप से बना हुआ है। प्राधिकरण से आज तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट यूटीमा हॉस्पिटल को नहीं मिला है। फायर की NOC भी यूटीमा के पास नहीं है। जिलाध्यक्ष ने यह आरोप लगाते हुए सनसनी फैला दी है कि भाजपा के एक सांसद और उनके करीबियों की इसमें संलिप्तता है। मेरठ में 1% अस्पतालों के पास भी NOC नहीं है। CMO व प्रशासन की मिलीभगत से यह सब चल रहा है। इन लोगों की खुली लूट हम नहीं होने देंगे। दरअसल एक मरीज की आवाज उठाने पर यूटीमा हॉस्पिटल द्वारा विधायक अतुल प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद आज अतुल प्रधान के साथ ही आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने मीडिया से वार्ता की। देखिए, यूटीमा अस्पताल वो अस्पताल है, जब इसका निर्माण शुरू हुआ तब से लेकर मैंने इसकी लगातार शिकायतें नाकारी और शिकायतें इसलिए की क्योंकि ये पूरा का पूरा अवैध बना। इसके अंदर जो बेसमेंट बना उस बेसमेंट के अंदर पार्किंग, जबकि सड़क पे ये लोग पार्किंग करते हैं। इसका जो तीसरा माला पूरा का पूरा अवैध बना है। इस अस्पताल की नींव रखने से जब शुरुआत हुई, खनन से लेकर तमाम में अनियमितताएं हुई, लेकिन इनको संरक्षण किन लोगों का मिला? भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो नेता उन लोगों को इनका संरक्षण प्राप्त है। और मैं नाम लेके कहता हूँ, भाजपा के जो सांसद हैं उनका प्रतिनिधि, उनका बेटा कैंटीन चलाता है, उनके लोगों की संलिप्तता है। उन सारे लोगों को हफ्ता जाता है और इकट्ठा करते हैं, लेकिन आम जन के साथ ये लूट करने का काम कर रहे हैं। हम अतुल प्रधान जी के साथ हैं और इस समर्थन में इनके साथ इस आवाज को बुलंद भी करेंगे। इन अस्पताल वालों की, इन डॉक्टरों की मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे, खुली लूट नहीं होने देंगे, इतना हमारा कहना है। और इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। नियम ये है कि किसी भी अस्पताल को जब तक NOC नहीं मिलेगी, जब तक वो मेरठ विकास प्राधिकरण से कंपटीशन सर्टिफिकेट ना ले। यूटीमा के पास कंपटीशन सर्टिफिकेट है ही नहीं, उसको जब तक फायर की NOC नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आप अगर पता करेंगे इस पूरे मेरठ के अंदर 1% अस्पतालों के पास भी फायर की NOC नहीं है। वो चल नहीं सकते, लेकिन धड़ल्ले से चल रहा है। कहीं ना कहीं CMO प्रशासन तमाम लोगों की मिलीभगत है और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक जन आंदोलन के रूप में बढ़ेगा। लूट की खुली छूट हम लोग होने नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.TV। नमस्कार।